मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के उपनगर अंधेरी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मादक पदार्थों की तस्करी किया करता था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और उनकी टीम ने 4 इंटरनेशनल मादक पदार्थ तस्करी करने वाले नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इनके पास से 6 किलो 492 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बड़ी ही चालाकी से कोकीन की तस्करी किया करते थे। घरों में लगाए जाने वाले पर्दों के रिंग के जरिए ये लोग मादक पदार्थ कोकीन देश के बाहर ले जाने की फिराक में थे। ये देश से बाहर जा पाते इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इसी के अंतर्गत अंगोली पुलिस स्टेशन ने मैं एक गुना दाखिल किया है NDPS का, जिस गुना में हमने करीब करीब 6.5 किलो के आसपास कोकीन बरामद किया है, जिस कोकीन की कीमत करीब करीब 38 करोड़ रुपए है। इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 4 में से 3 नाइजीरिया के हैं और एक ब्राज़ील की महिला है। इन 4 के नाम हैं नीरज ओखोबो, माइकल हो, साइमन अगोबता और श्रीमती कार्ले पिंटो आयरिस। इनमें से जो आयरिस जो महिला है वो अभी जेल से छुटकी आई है, 3 साल की जेल हुई थी इसी NDPS के केस में। इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी बहुत अलग है। ये लोग पर्दों के अंदर के जो छल्ले होते हैं उनके अंदर ये अपना ड्रग्स भरते थे और मशीनों के माध्यम से बहुत कुशल तरीके से उसको दबा करके ये कुरियर के माध्यम से इंडिया के बाहर भेजते थे। ये जो ड्रग्स है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जाने वाला था और इससे पहले हम लोगों ने इसको लोगों को पकड़ा है और अरेस्ट किया है और उनकी मॉडस ऑपरेंडी का पर्दाफाश किया है। इन आरोपियों के नाम नीरज अजूबी अखोलो 35 वर्षीय है, साइमन अगोबन बता 32 वर्षीय है, माइकल संदे होप 29 वर्षीय है और कार्ले पिंटो आयरिस है। फिलहाल अब ये 4 पुलिस की गिरफ्त में है। इन 4 में से जो एक महिला आरोपी है वो भाई खल्ला जेल से सजा काटकर अभी कुछ दिन पहले ही रिहा हुई थी, मगर इसकी गलत हरकतों ने इसे एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।